दोस्तों महाराष्ट्र में आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है विधानसभा चुनाव। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इस साल के अंत में जो है विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं आपको बता देना चाहता हूं महाराष्ट्र में भी ये चुनाव होंगे। इसके लिए एक आपको बहुत बड़ी अपडेट देता हूं दोस्तों, महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन हो गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं शरद पवार की, यानी कि जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से ये जो है बयान दिया गया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच 288 विधानसभा सीटों को लेकर के सहमति बन गई है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आखिर ये पूरी खबर क्या है, हमको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इन सारे विधानसभा चुनाव में ईवीएम का बहिष्कार करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होगा महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बारे में आपत्तियों के चलते विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की योजना बना रही है। यानी कि यह भी एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र की एमएनएस पार्टी जो कि हम आपको कह सकते हैं राज ठाकरे की है, उन्होंने यह कहा है कि अगर ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि दोस्तों यहां पर चुनाव यानी कि ये पार्टियां लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं। और हम आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं शरद पवार ने कहा दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता शेष सीटों के लिए स्वाभिमानी पक्ष जैसे अन्य संगठनों से बात करेंगे। उन्होंने कहा राकपा और कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 240 सीटों पर सहमति हुई है। पवार ने बताया कि सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी कर ली जाएगी और अगले कुछ दिनों में विधानसभा क्षेत्रवार उम्मीदवारों की सूची भी तैयार करके यानी कि वो सूची जारी कर दी जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कांग्रेस राकपा गठबंधन के साथ आने वाले सवाल पर पवार ने कहा मुंबई में मैंने कुछ एमएनएस नेताओं से मुलाकात की है, हाल में राज ठाकरे सोनिया गांधी से मिले हैं और एमएनएस नेताओं को ईवीएम को लेकर संदेह है और उनका मानना है कि इस संबंध में कुछ फैसला किए जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें कुछ पार्टियां चुनाव का बहिष्कार कर सकती हैं। वहीं आपको बता दें कांग्रेस और एनसीपी के बीच में गठबंधन बन गया है, 240 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति हो गई है। वहीं अगर एमएनएस और सारी छोटी पार्टियां उनको साथ लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पार्टियां ईवीएम का बहिष्कार करते हुए चुनाव का भी बहिष्कार कर सकती हैं। दोस्तों इस पर अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।